मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी लगभग 3 दर्जन सीटों के नतीजों पर बसपा सीधे तौर पर प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि दोनों ही दल बसपा को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है और बसपा भी इन दोनों दलों के बागियों को अपने से जोड़ने की कोशिश में है। अनुमान इन सीटों पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होता है। 3 दर्जन सीटों पर बसपा का प्रभाव उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में बसपा चुनावी नतीजों पर खास असर डालता है। राज्य के उस इलाकों पर गौर करें जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं, मसलन ग्वालियर, चंबल, विंध्या और बुंदेलखंड, ये वो इलाके हैं जहाँ की लगभग 3 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई है। इन सीटों पर मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोट नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। राज्य में हुए पिछले विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए तो ये बात साफ होती है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जब बड़ा है तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा, और जब भी बसपा के वोट बैंक की गिरावट आई है तो उसका लाभ कांग्रेस को हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े प्रदेश की लगभग 3 दर्जन सीटों के नतीजों पर बसपा प्रभाव डालती है। यही वजह है कि दोनों राजनीतिक दलों की बसपा पर नजर है, तो वहीं बसपा दोनों दलों के बागियों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। बात 2008 के चुनाव की करें तो बसपा को 9% से ज्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते बीजेपी बढ़त में थी। वहीं 2013 के चुनाव में बसपा को 6% से ज्यादा वोट मिले और बीजेपी बढ़त में रही। वहीं 2018 में बसपा का प्रतिशत गिरकर 5 के करीब हुआ तो कांग्रेस को बढ़त मिली। ये इस बात का संकेत है कि बसपा का वोट बैंक बढ़े या घटे लेकिन चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक 15.5% से ज्यादा है और इससे वर्ग के लिए राज्य में 15 सीटें आरक्षित हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से कांग्रेस को 18 पर और बीजेपी को 17 पर जीत मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि राज्य में विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य पर तो बीएसपी असर नहीं डालती है, मगर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र पर बसपा का असर रहता है। यही कारण है कि बसपा के वोट प्रतिशत के घटने और बढ़ने का चुनाव नतीजे सीधे असर डालते हैं। इस बार बसपा ने गंगोपा से गठबंधन किया है, जिसके चलते बसपा का वोट बैंक और भी बढ़ सकता है। आप ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।